जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी उदयपुर आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अक्सर अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो ये देखते होंगे कि हम अक्सर ये कहते हैं कि न्यायालय के आदेश पर हुआ मामला दर्ज, पुलिस को दिए जांच के आदेश, प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश। तो क्या है न्यायालय का आदेश, इस बारे में करते हैं चर्चा हम आज। अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित होता है, वह व्यक्ति उस अपराध की शिकायत सर्वप्रथम अपने संबंधित पुलिस स्टेशन को करता है। संबंधित पुलिस स्टेशन की कोई प्रतिक्रिया नहीं पाने पर वह उस जिले के जो आलाकमान अधिकारी होते हैं, चाहे वो डिप्टी हो, एसपी हो, आईजी हो, वह उनके सामने अपनी लिखित एप्लीकेशन पेश करता है। लेकिन जनरल हम ये जानते हैं कि जैसे मेरे मामलों में भी आप देख चुके होंगे, पुराने वीडियोस में देखिएगा, जब हमने कई बड़े संस्थानों पे, कई बड़े कंपनियों पे जब हमने कार्रवाई की तो पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं की। कारण उनका नाम बड़ा था, उनका अधिकार बड़ा था, उनके पावर बड़े थे और पुलिस के पास एक लिमिटेशन होती है कि वह हर मामले के अंदर FIR दर्ज नहीं कर सकती है, या ये कहूँगा कि कहीं कहीं पुलिस पद और प्रभाव में झुक जाती है। तो जब साथियों, जब आप किसी संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में जब आप पुलिस को रिपोर्ट देते हैं और पुलिस को रिपोर्ट देने के बावजूद अगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आपने संबंधित थाने को रिपोर्ट दी, उसकी रिसीविंग कॉपी लीजिए। फिर आपने जो जिले के आलाकमान अधिकारी, चाहे SP, IG, जिसको भी आपने अपनी कंप्लेंट दी, उसकी रिसीविंग कॉपी के रूप में एक रसीद मिलती है जो कि आपको उसी कार्यालय से मिलती है, वो रसीद लीजिए या उसकी रिसीविंग लीजिए। इन केस ऑफ कंडीशन कि आप वहाँ व्यक्तिशः प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप जरिए स्पीड पोस्ट, डाक के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लेंट आलाकमान अधिकारी को भेज सकते हैं। आलाकमान अधिकारी को भेज देने पर भी जब देख लेते हैं 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन, महीना, 2 महीना, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस कंडीशन में आपको अपने वकील से संपर्क करना पड़ेगा। अपने वकील से संपर्क कीजिए, उसको सारे फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराइए। ऑल ऑफ फैक्ट से इंट्रोड्यूस होने पर आप अपने जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो अपने वकील को दीजिए। तब आपके वकील आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में आपके नाम से CRPC 156 क्लोज 3 के अंतर्गत एक कंप्लेंट, एक इस्तगासा फाइल करेंगे और सारे फैक्ट्स का ब्यौरा देते हुए वो ये आदेश देने की बात करेंगे थानाधिकारी को, इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा आपके सारी पत्रावली देखी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट देखा जाता है, क्या आपने संबंधित पुलिस को कंप्लेंट की, ये चीज़ देखी जाती है। और ये सारी चीज़ देखने के बाद जब मजिस्ट्रेट को इस बात का एहसास हो जाता है कि वास्तव में आपने पुलिस कंप्लेंट की है, आपने संबंधित 154 की CRPC की प्रोविजन पूरा किया है, तो वह एक लेटर जारी करते हैं, तहरीर जारी करते हैं पुलिस को कि आपने इस एक्ट पे क्या कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा सकारात्मक, नकारात्मक जो भी जवाब सबमिट होता है और मजिस्ट्रेट द्वारा सारे मामले का अवलोकन करके ये देख लिया जाता है कि अपराध प्रमाणित पाया जा रहा है और इस मामले में प्रकरण दर्ज करना आवश्यक है, उस अवस्था में न्यायालय द्वारा संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में प्रकरण दर्ज कर FIR दर्ज की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद वो इस्तगासा न्यायालय से डायरेक्ट जाता है थाने के अंदर और थाने में किसी को अधिकार नहीं है कि उस पर FIR दर्ज नहीं करे। फिर पुलिस द्वारा FIR दर्ज करके उस पर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, FIR और परिवाद दो अलग अलग चीज़ है। जब कोई रिपोर्ट आप देते हैं तो वो परिवाद के रूप में होती है। FIR कन्वर्ट होने पर आपको FIR का नंबर मिलता है और आपको FIR की प्रति निःशुल्क रूप से पुलिस थाने से उपलब्ध कराई जाती है। तो जिस भी मामले में आपको लगता है कि आपके साथ अपराध कारित हुआ है, पुलिस वाले आपका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं, उस मामले में आपको चाहिए शांत नहीं बैठे, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यहाँ पर नागरिकों के लिए हजारों व्यवस्थाएं की हुई है,
उन्हीं में से एक व्यवस्था ये है कि जब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगा, और कोर्ट सुनेगा तो कोर्ट के माध्यम से अपनी पीड़ित अपनी व्यथा व्यक्त करके आप FIR के आदेश करा सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी मामले में आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह कानून के नए नए अपडेट देते रहेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब के पुराने वीडियो पर जरूर जाइएगा, जिसमें फ्रॉड से संबंधित जुड़े कई वीडियो के बारे में हमने जानकारी दी हुई है। अगर आप इस तरह किसी एक फ्रॉड के शिकार भी है तो बेवजह अपने अधिकारों का प्रयोग करें और उस संदर्भ में भी FIR दर्ज कराएं। चुप नहीं बैठे, क्योंकि आपका चुप बैठना आने वाली पीढ़ी के साथ नया अपराध कारित करने का एक मौका है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।